नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। चाक घाट में संचालित अलग अलग बैंकों के खाता धारकों की गायब हुई 1,95,000 रुपए की राशि। फरियादियों ने थाने में दर्ज करवाई शिकायत। त्योंथर के चाक घाट बाजार में संचालित अलग अलग बैंकों के खाता धारकों के खातों से लाखों रुपए की राशि गायब हो जाने की जानकारी सामने आई है, या यूं कहें कि खाता धारकों के साथ किसी ने धोखाधड़ी कर लिया है। मामला चाक घाट में संचालित भारतीय स्टेट बैंक, मध्यांचल बैंक एवं यूनियन बैंक का है, जहां पर आधा दर्जन से अधिक खाता धारकों के खातों से 1,95,000 रुपए पार कर दिया गया है, जिस पर खाता धारकों ने चाक घाट थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि बैंक द्वारा कटी राशि के संबंध में कोई संतोषजनक जानकारी नहीं दी गई है। उनके रुपए कहां चले गए, इसकी कोई जानकारी बैंक उपलब्ध नहीं करवा रहा है। वहीं चाक घाट के भारतीय स्टेट बैंक शाखा प्रबंधक अरविंद मेहरा पर अभद्र व्यवहार का भी आरोप लगाया गया है। बता दें कि उक्त बैंक की कार्यप्रणाली को लेकर आए दिन उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं, परंतु कार्यवाही अभी तक नहीं हो पा रही है। इससे ज्यादा की जानकारी के लिए आइए देखते हैं रीवा के चाक घाट से इशू केसरवानी की यह रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ, धन्यवाद। नाम कमलेश कुमार साकेत। कहाँ के रहने वाले? बघेड़ी। ये किन समस्याओं को लेकर ये स्टेट बैंक में आप लोग आए? ये कॉलोनी का पैसा है, मेरा पैसा गोल हो जाने के कारण हमने यहाँ बैंक मैनेजर के पास आया है। कितना पैसा आपका खाते से कट गया? 20,000। क्या बैंक मैनेजर द्वारा क्या बताया? बैंक मैनेजर कहते हैं कि आप जिसके यहाँ से निकाले उसके पास जाइए, उसी से पूछताछ करिए। कहाँ से निकाले थे? बघेड़ी चौराहे से। कैसे निकाले थे? फिंगर लगा के निकाले थे। तो क्या लगता है पैसा कहाँ गया? पैसा कहाँ गया ये तो हमें नहीं मालूम है, बैंक मैनेजर बता नहीं रहे। चोरी रखते हैं क्या, कैसे करते हैं ये तो नहीं बता सकते। कौन सा निकाला है ये भी नहीं बता रहे हैं। 20,000 गोल हो जाने से मेरी मिसिस जी ने गोली खा ली, मरने की उम्मीद में है, लेकिन उसने किसी ने नहीं बताया। अब यह पैसा कहाँ से आएगा भगवान जानते। क्या करेंगे आप आगे? आप लोग FIR करेंगे, पैसा मिले या ना मिले ये तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता। नाम है आपका? शिव शंकर हरियन। 15 वार्ड बघेड़ी चाक घाट। ये क्या, किन समस्या को लेकर आप ये बैंक में आए? समस्या ये है कि बैंक से हमारा 30,000 रुपये कट गया है। कैसे मतलब कट गई? ये हमको नहीं मालूम है, और बैंक पर आए स्टेटमेंट निकलवाए हैं, पूछते हैं अगर मैनेजर से किसी भी अधिकारी से, कोई नहीं बता रहा है। क्या लगता है आपको पैसा कहाँ से निकाला गया? हम ये बता नहीं सकते हैं कहाँ से निकाला गया, कैसे निकाला गया। लेन देन वगैरह कहाँ से करते थे आप लोग? लेन देन वगैरह कभी इस बैंक से करते हैं और कभी बघेड़ी से। बघेड़ी में कैसे निकालते थे? बघेड़ी में फिंगर प्रेस लगा कर। फिंगर प्रिंट जमाते हैं। हाँ, ये पैसा कहे का आया था? पैसा आवास का आया था। आवास का पैसा आप लोग खाते से निकल गया था? हाँ जी। क्या चाहते हैं आप? पैसा हम लोग वापस चाहते हैं। और क्या थाने में सूचना दी इस संबंध में आप लोगों ने? अभी नहीं। क्या करेंगे आगे कार्रवाई? अब आगे अगर हम थाने में जाएंगे तो हमसे सबूत मांगेगा कि कैसे निकला, तुम निकाले हो या नहीं, तो हम क्या बताएंगे, सबूत तो है नहीं हमारे पास। रिपोर्ट तो दर्ज करवाएंगे ना आप लोग? हाँ, फिलहाल रिपोर्ट तो कराएंगे, दर्ज कराएंगे। आपका? श्याम कली। कहाँ के रहने वाले हैं? चाक चंदई। क्या हो गया आपके साथ? 30,000 सर पैसा निकल गया हमारे खाता से। कौन से बैंक में आपका खाता? यूनियन बैंक। कहाँ से, कैसे जानकारी मिली आपको, कैसे निकला पैसा? अब जानकारी हमको नहीं मिला सर, आए अंगूठा लगा करके लेके चले गए, कहीं के चले जा बैंक, तो बैंक हम चले गए वहाँ, कहले यहाँ तक कहीं के तुम्हारे पैसा 10,000 पूर्ण कट गया, 10,000 बचा था, कहीं निकाल ला नहीं हम निकल जाइए, फिर हम निकाल ला 10,000 बचा था, 30,000 निकल गया। लेन देन आप लोग कहाँ से करते? फिंगर प्रिंट से करते हैं कि बैंक से? नहीं, कहाँ पर से करी थे? बघेड़ी से। अनिल मांझी के नाम करते आप लोग? हाँ, अनिल मांझी के नाम बताया नहीं कहा? अनिल मांझी के। बैंक में बताया नहीं पैसा कहाँ से? बताया ना सर। बैंक वाले क्या बताएं, पैसा कहाँ से निकला है ये बताएं, कहें कि जहाँ से पैसा निकाला हो तहाँ के चले जाए, हम यहाँ से नहीं तुम्हार जमा कराने का आगा तो 2-3 रोज में बताओ। हाँ, पैसा अगर नहीं आएगा आपके खाते में क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे सर, FIR करेंगे। अनिल कुमार बघेड़ी। क्या घटना आपके साथ हुई है बैंक में? अरे कल चेक कराया तो मेरा 15,000 गायब, मेहनत के आवास आवास की नहीं।
हाँ कहाँ से पैसा निकल गया ये आपका? अब जहाँ से निकला वही काम मालूम। शिकायत का वही ऊपर से निकाला रन फिंगर से बघेड़ी से। बैंक में शिकायत किया आपने? हाँ शिकायत करा ना, आवेदन दिया आए हैं, अब सुनवाई कुछ नहीं हुई, कहीं सर्वर कहीं नहीं आए। कौन से बैंक का मामला है आपका? यूनियन बैंक का। नाम है आपका? राम सिंह हरिजन। कहाँ के रहने वाले हैं? बघेड़ी बाकर 15। क्या है आप, क्या समस्या आप लोग? सर मेरे खाता से पैसा निकल गया, वास वाला आया था निकल गया, कैसे निकले बिना अंगूठा को निकल गया। कितना पैसा निकल गया? 20,000। कौन सा बैंक का मामला है? मध्यांचल। मध्यांचल बैंक का? हाँ। तो बैंक में आप लोगों ने संपर्क? बैंक में गया था, अभी पर्चे दिए हैं, मगर कहते हम पर पैसा नहीं जाना, कैसे निकल गया सबूत हमको दे हैं बैंक वाले। उन्होंने बताया नहीं कि पैसा आपका कहाँ से निकला है? नहीं बताए हैं सर। क्यों नहीं बताया उन्होंने? नहीं बताया तो हम क्या करें सर? क्या करेंगे आप उसके कहते रिपोर्ट डालेंगे नहीं तो कैसे करेंगे रिपोर्ट डालेंगे? बघेड़ी में पैसा आप लोग कहाँ से निकलवाते हैं? हम चौराहे में 3 घंटा है दुकान, जैसे जरूरत तब गोली लेके तो निकालवा के अपन काम करते हैं। कौन कौन है बघेड़ी में पैसा निकालने वाला? देखो यूनियन बैंक के एक आदमी खोले है, ललवा का पैसा है, अनिल का यूनियन है, ये हुआ पंजीयन है, ये है अनिल का मध्याजन है, ये है वही खाता खुला है, एक यूनियन बैंक के साथ निकलवाता हूँ, और छोटे बैंक में नहीं है कौन है? सूरज कली। ये कहाँ का रहने वाली हैं? 15 वाट बघेड़ी की। क्या समस्या है बैंक में आप लोगों को? अब क्या समस्या है, पैसा कट गया 20,000 1 तारीख का 2 तारीख का 10,000। कहाँ से पैसा कटा है? बैंक से। बैंक से कटा है? हम्म। कि और कहीं से कट गया? और कहीं से नहीं। बैंक में आपने पता किया कहाँ से कटा है? हाँ बोले तो बोले कि बड़ी वाली बैंक में जाओ पता करो, फिर नगर पालिका जाओ। काहे का पैसा आया था ये? कॉलोनी के। 3,000 रुपये। कितना कितना राशि निकाली थी आपने? निकाले हैं 30,000। 30,000 निकाले, 50,000 आया था। 30,000 आप निकाली थी, 20,000 बचा था? 20,000 बचा था। 20,000 किसी ने निकाल लिया? नहीं निकाले, क्या कहते कट गया। अरे वही पैसा कहाँ से निकाली थी 30,000? अरे ये बैंक जो है ना, क्या कहा था बैंक? हाँ नहीं 30,000 यहाँ से निकाला, 10,000 हुआ से। हाँ राज कंप्यूटर। हाँ 30,000 यहाँ चार घर राज कंप्यूटर निकाली। हाँ 10,000 कहाँ निकाली? वहाँ बघेड़ी से। बघेड़ी में निकालने के बाद पैसा कटा है कि चाक घर निकालने के बाद पैसा कटा है? यहाँ चाक घाट 30 तारीख को यहाँ पे निकाली। हाँ कौन से वार्ड के रहने वाले? 15 वार्ड बघेड़ी। क्या समस्या आप लोगों के अकाउंट से क्या पैसा कट गया है? ऐसा हमारा समस्या ये है, 50,000 मोदी सरकार भेजे थे, ये 30,000 निकाली, 10,000 बघेड़ी से, 20,000 यहाँ से निकाली थी चाक घाट से, और 20,000 इसका बचा था, 30 तारीख को निकाली थी 20,000, वो 20,000 और 20,000 प्लस बचा था इसका, 1 तारीख का 2 तारीख का 10,000 रुपया करके काट लिया गया। ये पैसा कहाँ से कटा है जानकारी मिली आपको? हमको जानकारी नहीं मिली, हमारा चेक करे आज तो है ही नहीं एक रुपया। शिकायत इस संबंध में की आप लोगों ने? किससे करे गए तो अभी तुरंत आ रहे हैं। ये घटना आप ही लोगों के साथ हुई और लोगों में? हमारे गाँव में कम से कम 10-20 लोग के साथ हुआ है। अच्छा, आवास योजना का पैसा सब निकाले थे ना आप लोग? जी हाँ। शुक्ला नाम है। क्या बैंक संबंधित क्या आप शिकायत देना चाह रहे हैं? अरे शिकायत क्या दे रहे हैं, लोगों को परेशान किया जाता है, अब बैंक मैनेजर द्वारा एज ए अगर किसी का काम लेकर जाते हैं, हम सोशल वर्कर हैं, मैं बिशुंदू परिषद बजरंग दल का विभाग संयोजक हूँ, और किसी का और कोई व्यक्ति नहीं पढ़ा लिखा है नहीं जानता है उसका काम लेकर जाता हूँ तो वो कहते हैं एज ए तुम दलाल हो गया और अव्यवहार करते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं वो। क्षेत्रीय प्रबंधक उनसे अनुराग शाह जी से बात किया गया, कहीं देखते हैं और आगे कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं होती है, इनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है आम जनता के साथ। हम पढ़े लिखे होकर इनके पास जाते हैं तो हमारे साथ जब इस तरह का व्यवहार करते हैं तो अब जो बिना पढ़े लिखे जाते हैं उसके साथ किस तरह के सीधे भगाने का आरोप लगता है। कई सारे जो गरीब हैं बेचारे मध्यम वर्ग के हैं वो बताते हैं कि ये अव्यवहार करते हैं और भगा देते हैं हमें। विभिन्न बैंकों में खाताधारकों के साथ धोखाधड़ी का मामला आया है, क्या शिकायत और क्या कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी? हाँ आज करीबन 2 बजे चाकघाट बैंक से करीब विभिन्न विभिन्न बैंकों से करीब 8 फरियादी थाने उपस्थित आकर शिकायत दर्ज कराए हैं कि इनके खाते से 29 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में अलग अलग खाताधारकों के खाते से किसी के में 40,000, किसी से 15,000, किसी से 20,000, किसी से 30,000 रुपए की राशि आहरण हो गई है, जबकि इनके द्वारा कहा जा रहा है कि इनके द्वारा राशि नहीं निकाली गई है। इस दौरान एकाध बार ही इनके द्वारा राशि निकाली गई है, किंतु
दो से अधिक बार किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा निकाल ली गई है। बैंक प्रबंधक इनको संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दे रहा है, इसलिए थाने के द्वारा इन बैंक प्रबंधक को पत्र जारी किया गया है। जानकारी मिलते ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।